नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय थी मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आपके लिए बेसन आलू की कढ़ी। बेसन आलू की कढ़ी कैसे बनती है आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेसन आलू की कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन, आधा किलो आलू, 1 लीटर मट्ठा, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मेथी, 2 लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हमने बेसन को लिया है। इसमें हमने क्या कहते हैं, ये 250 ग्राम बेसन था, इसमें हमने करीब 3-4 चम्मच बेसन अलग कर लिया है और उसमें हमने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2-4 चम्मच हमने हींग डाली है। इन सबको अच्छे से फेंट लिया है और उसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं। अब इनकी हम पकौड़ी बना ले रहे हैं। पकौड़ी आप हमेशा कड़ी आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए तो ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरीके से आपको पकौड़ियाँ बनानी हैं। पकौड़ियाँ जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो फिर आप इनको निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और पकौड़ियाँ हमेशा आप मीडियम आंच में बनाइए तो काफ़ी अच्छी बनती हैं। ये देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी जितनी भी हमारा पेस्ट है उसकी भी हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। यह हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे। जितना भी पेस्ट था उनकी सबकी हमने पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब घोल बनाने की तैयारी। ये हमने करीब 4 चम्मच बेसन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और 1/2-4 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल बनाएंगे। एकदम से आप पानी मत डालिएगा क्योंकि गिल्टियाँ टाइप की बन जाएंगी तो फिर वो अच्छा सा बेसन घोल नहीं तैयार होगा रेडी। थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरीके से मिलाइए। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। अब इसमें आप मट्ठा या दही जो भी आपके पास है अवेलेबल आप डालकर इसमें मिक्स कर लीजिए। पानी आप तभी डालिएगा जब आपको ज़रूरत लगे, अभी पानी आप मत डालिएगा। ये मैंने घर का मट्ठा लिया है जो लाल वाला होता है वो है, तो उससे तो कढ़ी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं। अब ये मैंने पकौड़ी बनाई थी, इसी में मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। ये करीब मेरा 5-6 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, उसमें मैंने 1 चम्मच मेथी डाला और 1 चम्मच हमने मस्टर्ड डाली है और 1/2-4 चम्मच हींग और ये 2 मेरे पास लाल मिर्च है खड़ी सूखी, ये मैंने डाली है। ये जब सब अच्छे से हो जाएगा तब इसमें करीब हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तब आप इसमें जो आपने घोल बनाया है बेसन और मट्ठे का वो आप इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद आप इसे तुरंत चलाइएगा क्योंकि बेसन क्या होता है बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो इसलिए आप इसे तुरंत चलाइएगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो करीब आप इसमें 1-2 गिलास आप पानी डाल दीजिएगा तो सही लगेगा क्योंकि ये खौलेगा काफ़ी। अभी पकौड़ियाँ डालने के बाद भी खौलाना होता है तो ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसे करीब हम 5 मिनट के लिए इसे खोलने देंगे और बीच बीच में हो सके इसे आप बराबर चलाते रहिए
कढ़ी जितना ज़्यादा आप चलाएंगी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसका एक अलग ही स्वाद आता है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसमें बनाइए, नहीं तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं किसी भी नॉनस्टिक कढ़ाई में। अब इसे करीब हम 5 मिनट हो गए हैं, इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इसमें हम करीब 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम पहले नहीं डालते हैं, बाद में डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और नमक डालने के बाद इसे थोड़ी देर चलाएंगे। जब ये अच्छे से खोल जाएगा तब इसमें हम पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे। अब पकौड़ी मैंने सारी डाल दी है, अब इसको करीब हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे अच्छे से। जब भी काफ़ी अच्छे से इसमें पकौड़ियों में बेसन अंदर और मट्ठा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये फूल जाएंगी, तब ये हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें कसूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। इसको आप चावल या रोटी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।